नमस्ते विद्यार्थियों, कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस की क्विक रिवीजन की श्रृंखला में आज हम जो आपकी पाठ्यपुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति, इसके 8वें अध्याय पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जिनमें वन लाइनर प्रश्न या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं, उन सभी संभावित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन किस देश में हुआ था? जैसा कि अगर आपने पिछले जो पाठ का जो वीडियो था उस पर अगर आपने गौर किया होगा तो मैंने उसमें भी बताया था क्योटो प्रोटोकॉल है, ये क्योटो शहर किस देश में है उसके आधार पर इसका नाम पड़ा है। तो इसका सही आंसर है जापान, क्योटो है जापान का एक शहर है। नेक्स्ट है, प्रति सम्मेलन कब हुआ? जो पर्यावरण से संबंधित जो प्रति सम्मेलन काफ़ी फेमस है वो कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। आगे के प्रश्नों में और डिटेल में इसके बारे में बता दूंगा कि किस देश के किस शहर में हुआ था। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर है 2002 में। नेक्स्ट प्रश्न है, रियो डी जेनेरो किस जो शहर है वो किस देश का शहर है? यानी काफ़ी प्रसिद्ध शहर है, और एक हिंट के लिए आपको बता दूँ, ये दक्षिण अमेरिका के एक देश का शहर है। तो अब आपको याद आ गया होगा कौन सा देश है, तो इसका सही आंसर है ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो सबसे बड़ा देश है, अमेजन नदी के कारण बहुत फेमस है, उस देश का एक बहुत बड़ा शहर है रियो डी जेनेरियो। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि 1960 के दशक में किस मसले या मुद्दे ने जोर पकड़ा था? तो 1960 के दशक में जो प्रसिद्ध मसला या मुद्दा था वो था पर्यावरण संबंधित, यानी पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित जो भी मुद्दा था वो 1960 के दशक में काफ़ी चर्चित रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1992 में किस विश्व स्तरीय सम्मेलन में ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के प्रमुख मुद्दों में शामिल करा दिया? यानी 1992 में कौन सा विश्व सम्मेलन हुआ था जिसने पूरे विश्व का ध्यान पर्यावरण की सुरक्षा की तरफ खींचा था, और पर्यावरण सुरक्षा एक विश्व लेवल का जो मुद्दा बन गया? तो यह है रियो सम्मेलन, या रियो इसको प्रति सम्मेलन भी कहते हैं, रियो सम्मेलन भी कहते हैं। और रियो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, रियो प्रति सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 1992 का जो रियो सम्मेलन था, प्रति सम्मेलन है, उसमें 170 देशों ने भाग लिया था। तो आपको याद रखना है 170 देशों ने भाग लिया था इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थलीय हिम का 90% हिस्सा और धरती पर मौजूद स्वच्छ जल का 70% हिस्सा कहाँ मौजूद है? तो प्रश्न को एक बार थोड़ा गौर से पढ़ें कि वैसे देखा जाए तो पृथ्वी के 70% से ज़्यादा भाग पे पानी है, स्थल भाग कम है, लेकिन वो सारा पानी खा रहा है। पीने लायक जो पानी है, कुल पानी अगर मान लो 100 यूनिट मान ले, तो उसमें से 97 तक जो हिस्सा है वो लगभग खारा पानी है। सिर्फ 2 या 3% पानी जो मीठा पानी, पीने लायक पानी है, उसमें से भी 90% हिस्सा है वो स्थलीय हिम के रूप में है, और जो स्वच्छ जल का 70% हिस्सा है वो कहाँ मौजूद है? तो इसका सही आंसर है अंटार्कटिका में। यानी जो पीने योग्य पृथ्वी पर जो पानी है उसका बहुत बड़ा भाग, जैसे कुल 100% पानी है तो उसमें से 95% 97% पानी तो पीने लायक है ही नहीं, 2-3% पानी जो भी पीने लायक है उसका भी अधिकांश भाग है वो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उस पर बर्फ के रूप में जमा हुआ है। यानी पृथ्वी पर पीने लायक पानी की मात्रा कुल पानी की तुलना में बहुत कम है, और जो भी है वो बर्फ के रूप में ध्रुवों पे जमा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक जो पुस्तक है 1972 में किसने प्रकाशित की थी? तो ये किसके द्वारा प्रकाशित की? तो लिमिट्स टू ग्रोथ एक इम्पोर्टेंट जो पुस्तक है, इसका सही आंसर है क्लब ऑफ रोम द्वारा। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, रियो सम्मेलन की सिफारिशों को किस नाम से जाना जाता है? तो रियो सम्मेलन जो 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था, उसकी जो सिफारिश है उसको एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है, और अधिकांश जो पुस्तकें हैं उनमें एजेंडा 21 का अगर कहीं जिक्र आता है तो आपको रियो सम्मेलन से संबंधित जो भी सिफारिश हैं उनको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, साझी संपदा किसे कहते हैं? तो साझी संपदा का अर्थ क्या होता है? तो वह संसाधन जिन पर किसी एक का वास्तविक अधिकार न होकर संपूर्ण समुदाय का अधिकार होता है। साझी का मतलब वैसे भी मैं सामान्य रूप से समझा था कि साझी यानी जिसमें साझेदारी हो, सभी की भागीदारी हो। तो ऐसे संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार न होकर पूरे समुदाय का अधिकार होता है, ऐसी संपदा को साझी संपदा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक ताप वृद्धि करने वाली गैसों के नाम बताइए। यानी ऐसे गैसों का नाम बताना है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाली है या विश्व का जो तापमान बढ़ाने वाली है। तो उनमें है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन और हाइड्रोक्लोरोकार्बन, यानी जो भी ग्रीन हाउस गैसें हैं वो सारी गैसें हैं वैश्विक ताप बढ़ाने वाली है।
ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसें मानी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इनमें सबसे प्रमुख है। नेक्स्ट है, वैश्विक संपदा का अर्थ क्या है उसके उदाहरण बताइए। तो वैश्विक संपदा का अर्थ है कि वह संपदा जिस पर किसी एक संप्रभु राष्ट्र का अधिकार नहीं होता, यानी ग्लोबल जो संपदा कह सकते हैं, यानी पूरे विश्व का उस पर अधिकार होता है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का साझे तौर पर उसका प्रबंधन करता है, यानी कोई भी देश उस पर एक अधिकार नहीं जमा सकता। जैसे पृथ्वी का वायुमंडल है तो वो सभी देशों के लिए कॉमन है, अंटार्कटिका महाद्वीप है तो वो किसी देश विशेष का नहीं है, और इसी तरह से समुद्री सत्ता है, अंतरिक्ष है, ये सारे वैश्विक संपदा के अर्थ है या उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, किन्हीं दो प्राकृतिक संसाधनों के नाम बताइए जिनको लेकर राष्ट्रों के बीच में संघर्ष होता है। तो अक्सर राष्ट्रों के बीच में जो संघर्ष वाले जो दो चीज़ें हैं वो एक तो है खनिज तेल, जो कि काफ़ी चर्चित है और इसकी आज वर्तमान में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और दूसरा जल। जल के लिए भी कई देशों के बीच में संघर्ष होते रहे हैं, तो ये दो महत्वपूर्ण जो संसाधन है प्राकृतिक। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल निवासियों के प्रमुख निवास स्थान कहाँ कहाँ हैं, यानी विश्व भर में जो मूल निवासी है वो कहाँ कहाँ रहते हैं। तो इसका सही आंसर है, एक तो मध्य और दक्षिण अमेरिका में, इसके अलावा अफ्रीका में और दक्षिण पूर्व एशिया में और भारत में। ये दक्षिण और मध्य और दक्षिण अमेरिका का मतलब हो गया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, जिसमें ब्राज़ील वगैरह है, जो अमेजन के जंगल वगैरह पाए जाते हैं उनमें, अफ्रीका के जो भी जो सहारा या जो विषुवत रेखीय जो क्षेत्र है जिनमें पिग्मी जनजाति या बुशमैन वगैरह आदि जनजातियाँ जो पाई जाती है वो है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया के जो भी देश है, इंडोनेशिया वगैरह, मलेशिया वगैरह, जहाँ यानी जो विषुवत रेखा के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ मूल रूप से जो निवासी पाए जाते हैं, और भारत के भी जैसे अंडमान निकोबार या इन क्षेत्रों में जो मूल निवासी है, ये इसके प्रमुख स्थान है। नेक्स्ट है, वैश्विक संपदा की सुरक्षा हेतु कौन से महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। तो वैश्विक संपदा के लिए महत्वपूर्ण जो तीन समझौते हुए हैं उनको एक एक करके मैं बता रहा हूँ। पहला है अंटार्कटिका संधि 1959 में, दूसरा है मॉन्ट्रियल नवाचार 1987 में, और तीसरा है अंटार्कटिका पर्यावरण न्यायाचार 1991 में। ये तीन इंपॉर्टेंट समझौते हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मूल निवासियों के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में जो मूलवासी है भारत के, उनके लिए अनुसूचित जाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किन देशों ने अंटार्कटिका क्षेत्र पर अपने संप्रभु अधिकार का वैधानिक दावा किया है, यानी किन किन देशों ने अंटार्कटिका पर अपना दावा पेश किया। तो इसमें काफ़ी देश है जिनमें से ब्रिटेन है, अर्जेंटीना है, चिली है, नॉर्वे है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन सभी देशों ने अंटार्कटिका पर अपना अधिकार का दावा किया है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि अंटार्कटिका महाद्वीप में वर्तमान में तेल भंडार के अलावा अन्य कई जो भी खनिज संपदाएँ वगैरह हैं उनके भंडारों का पता चला है, इसलिए हर देश चाहता है कि उसका वहाँ अधिकार हो। तो ये कुछ देश थे। नेक्स्ट है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन कब हुआ, यानी जो मूल वासी है उनकी जो काउंसिल है उसका गठन है 1975 में हुआ था। नेक्स्ट है, फिलीपींस के कार्डिला क्षेत्र में कितने मूलवासी रहते हैं। ये प्रश्न आपकी पाठ्यपुस्तक में इसका आंकड़ा दिया हुआ इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो फिलीपींस के जो कार्डिला क्षेत्र है, कार्डिलेरा का मतलब होता है वैसे जो पर्वत श्रृंखलाएँ होती है, लंबी लंबी श्रृंखला, उनको कार्डिलेरा कहते हैं। तो उनमें जो मूल निवासी रहते हैं उनकी संख्या लगभग 20 लाख है। नेक्स्ट प्रश्न है, चिले में रहने वाले मूलवासी लोगों को क्या कहते हैं जिनकी संख्या लगभग 10 लाख है, यानी जो भी मूलवासी जो चिली या चिले में रहते हैं उनके लगभग 10 लाख जिनकी जनसंख्या है उनको क्या कहते हैं। तो उनको एक शब्द दिया गया है जो नाम है उनका मापुशे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है मापुशे, ये चिले में रहने वाले जो मूलवासी उनको कहते हैं। और मूलवासी क्या होता है, तो मूलवासी वे लोग होते हैं जो किसी वन संपदा, वन प्रदेश या अन्य भूभाग पर आदिकाल से निवास करते चले आ रहे हैं और वे संबंधित क्षेत्र के मूल निवासी कहलाते हैं। यानी ऐसे लोग जो परंपरागत रूप से हजारों सालों से किसी क्षेत्र विशेष में रहते हैं तो वे वहाँ के मूलवासी कहलाते हैं। नेक्स्ट जो अंतिम प्रश्न है, टिकाऊ विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको सामान्य भाषा में कहें तो प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा प्रयोग करना कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएँ भी पूरी हो और भविष्य के लिए भी बची रहें, सुरक्षित रहें। अब इसको थोड़ा सा विस्तार में अगर देखा जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या टिकाऊ विकास ऐसा विकास होता है कि जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तो करें लेकिन इस तरीके से करें कि वो पूरे संसाधन एकदम समाप्त नहीं हो जाए, उनमें से जो भी संसाधन है वो आगामी पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रहें। जैसे मान लो एक उदाहरण के रूप में देखें तो पेड़ पौधे हैं, अगर पेड़ों को आप एक पेड़ को काट करके आप उसको ईंधन के रूप में या फर्नीचर के रूप में काम में ले रहे हैं, तो अगर उसकी जगह एक पेड़ काटने की जगह आप दो या तीन पेड़ लगा लेते हैं
तो इस तरह का जो भी विकास होगा जिसमें संसाधन का उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन संसाधन वापस बढ़ भी रहे हैं, तो ऐसा विकास है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। यानी वर्तमान जो आवश्यकता है वो भी पूरी हो और भविष्य के लिए भी वो सुरक्षित रहे। जैसे मान लो आपने एक पेड़ आज काट लिया, उसकी जगह आपने 2-3-4 पेड़ लगा लिए, तो निकट भविष्य में वो पेड़ है वापस उसकी पूर्ति कर देंगे। तो इस तरह का जो विकास होगा जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का एक तरह से कह सकते हैं विवेकपूर्ण जो इस्तेमाल किया जाए, तो उसको अपन किसकी संज्ञा देंगे, तो उसको अपन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संज्ञा देंगे। इस तरह से इस जो भी पार्ट था उसके इम्पोर्टेंट जितने भी संभावित प्रश्न बन रहे थे मैंने सबको शामिल करने का प्रयास किया है। तो एक बार आप जब भी आपका परीक्षा हो जाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने प्रश्न बताए हैं उनमें से कितने प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं और कितने आपके लिए ये पार्ट उपयोगी रहे। तो मैंने दो तरह की जो क्विक रिवीजन की सीरीज बनाई है, एक में तो मैंने पूरे पार्ट का जो रिवीजन है, पूरे पार्ट का जो सारांश है वो 10 मिनट के अंदर अंदर समेटने का प्रयास किया है। उसके अधिकांश वीडियो मतलब इस चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, तो एक तो आप वो देखें। और प्रत्येक जितना भी इस बार कोर्स में जो भी पार्ट शामिल है, प्रत्येक के जो इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस या वन लाइनर क्वेश्चंस है, खास करके एक नंबर के रूप में किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, चाहे रिक्त स्थान के रूप में या एक नंबर के सवाल के रूप में या मल्टीपल चॉइस यानी अभिसरण के रूप में, किसी भी तरीके से पूछे जाने वाले संभावित जो भी प्रश्न हैं उनको शामिल करने का प्रयास किया है। तो एक बार 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 अगर आप इसको एक दो बार अगर वीडियो को देख लेंगे पूरी तरह से तो सारे प्रश्न आपके याद हो जाएंगे। और मैंने कोशिश ये की है कि चार ऑप्शन बनाने के बाद में फिर उत्तर बताऊं, उसमें आपका समय भी ज़्यादा लग जाएगा और परीक्षा के समय में समय की क्या कीमत है वो आप सब जानते हैं, तो मैंने उसको कम से कम समय में समेटने का प्रयास किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।